दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त रितेश सीओसी गेमर। तो आज हम लोग बात करने लगे क्लैन गेम रिवॉर्ड्स के बारे में। तो क्लैन गेम रिवॉर्ड्स कलेक्ट करेंगे और जो लोअर टाउन वाले उनका भी रिवॉर्ड्स बताएंगे कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए। और बाकी क्लैनमेट्स की बहुत रिक्वेस्ट आई थी क्लैन गेम पर वीडियो बनाओ। और बाकी मैं वीडियोज़ क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं दे रही वीडियो की, तो इससे थोड़ा मूड नहीं बन रहा कि वीडियो अपलोड करूँ। तो ये 5 दिन के बाद लगभग वीडियो आ रहा है और ट्राई करूंगा कि अभी जल्दी अपलोड कर दूँ, रिवॉर्ड सिलेक्ट करने में बाकी प्लेयर्स को हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते आज की वीडियो करें। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जो कोई भी नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते आज की वीडियो करें। तो अपना इंडिया डेक आप देख सकते हो 3 स्टार, और इसके बाद हम क्लैन गेम रिवॉर्ड्स कलेक्ट करेंगे। अभी फर्स्ट आईडी से शुरू करेंगे, उसके बाद लोअर आईडी में आपको बताऊंगा कि क्या रिवॉर्ड्स लेनी चाहिए लोअर आईडी को। तो चलिए अभी कलेक्ट करते हैं रिवॉर्ड्स। तो फर्स्ट कितने हमारे पास, तो ये कलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेनिंग पोशन, बिल्डर पोशन मेरे हिसाब से कुछ काम का नहीं है, तो कर ही लेता हूँ। और शॉल ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पर आप जेम्स ले सकते हो, या फिर आपका रिसर्च पोशन आपको लगे तो वो भी ले सकते हो। और वॉल रिंग तो ले लेता हूँ, अपग्रेड के लिए काम को आएगा। और हीरो पोशन आपके ऊपर है, ले सकते हो तो ले लो। और यहाँ पे लेता हूँ बुक ऑफ एवरीथिंग। और लास्ट रिवॉर्ड में आ जाएगा अपना जेम्स, और अपने पास एक्स्ट्रा भी है 5000 स्कोर की बात। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ हीरो पोशन लूँ, ठीक है, वैसे गोल्ड भी ले लूँगा तो एक पल्स अपग्रेड हो जाएगी। चलो यही रिवॉर्ड्स के साथ जाते हैं। और इसके बाद बचेगा अपना लास्ट रिवॉर्ड लेने का ऑप्शन। तो बिल्डर पोशन तो वैसे काम को आएगा, बाकी हीरो पोशन की इतनी ज़रूरत नहीं। तो देख सकते हो हमारे रिवॉर्ड्स हो चुके हैं कलेक्ट। और हमारे टॉप स्कोरर थे फिनॉय, कोविन, केन और रवि, सुमित, मतलब टॉप 10-13 पे तो 5000 स्कोर था। तो अभी आते हैं अपन सेकेंड आईडी पे। तो चलिए हम आ चुके हैं सेकेंड आईडी पे। तो ये हमारी टाउनलेट की मैक्स आउट आईडी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली जेम्स ही लेना है, बाकी तो कुछ काम का नहीं। यहाँ पे हीरो पोशन ले लेंगे, हीरो सुपर पोशन सॉरी, और यहाँ पे जेम्स ले लेंगे। तो लोअर आईडी को तो ज़्यादा कुछ नहीं, जेम्स ही चाहिए। और यहाँ पे क्लॉक टावर पोशन, तो देख सकते हो आप ये ले सकते हो रिवॉर्ड अपनी लोअर आईडी पे, तो ऐसे मैक्स आउट आईडी है। तो यहाँ पे तो मैंने स्कोर नहीं किया था इसीलिए कुछ मिला नहीं। तो अभी एक अपनी लास्ट आईडी पे आते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं फाइनल आईडी पे। ये तो हमारी टाउन हॉल 10 की आईडी थी, अभी रिसेंटली 11 किया है। और यहाँ पे हमारा वार्डन भी हो चुका लेवल 5 का, मैक्स आउट देख सकते हो। बाकी रिसोर्सेज बहुत है, तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं क्लैन गेम। और ये सेकंड क्लैन था हमारा ऑल सीएससी गुरु 2 लेवल 10 का। जो भी टाउन हॉल 10 या 11 बिलो है उसके नीचे या ऊपर आप आ सकते हो क्लैन में। तो एक क्लैन टैग भी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो जो प्लेयर्स को आना है वो आ सकते हो, यहाँ पे टैग है। चलिए तो अभी कलेक्ट कर लेते क्लैन गेम। यहाँ पे जेम्स, बिल्डर पोशन और हीरो पोशन इतना कुछ काम का नहीं है, तो डार्क ले लूँगा। और यहाँ पे बुक ऑफ एवरीथिंग, तो ज़्यादातर रिवॉर्ड्स ही आईडी में है, क्योंकि मैं स्टेव आईडी की थी इसीलिए। और बुक ऑफ हीरो है क्या इसके पास, अभी तो नहीं है। और लैब भी मेरे हिसाब से खाली होगी, तो एक काम करते हैं, डबल रिवॉर्ड है तो यहाँ पे हीरो तो नहीं, एक अटैक करना पड़ेगा। चलिए एक अटैक करने के बाद क्लैन गेम कलेक्ट करेंगे। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। और ये वैसे टाउन हॉल 10 की आर्मी, हमारी बेस्ट आर्मी, 11 पे भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, बेस नहीं मिला तो अच्छा सा बेस देख के आता हूँ। तो चलिए बेस मिल चुका है, वैसे टाउन हॉल 11 है ये भी, शायद न्यू किया होगा। तो इस पर अटैक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बीबी ड्रैगन से फनल। तो वैसे भी न्यू 11 पे हो तो ईजी मार दे रहा हूँ, वैसे कुछ पंगा नहीं। और नीचे थोड़ा बेबी ड्रैगन ज़्यादा देर नहीं दिख पाया, तो यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू तो नहीं मिलेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अटैक। ऑल जाइंट्स, किंग, वार्डन, ऑल पिकास, सुपर विजार्ड एंड वॉलकर्स, यहाँ पे रिस्पेल, और ये वॉल फूट जानी चाहिए। और यहाँ पे एसएस वार्डन से एबिलिटी बिल्कुल चाहिए। और जम स्पेल देखता हूँ मैं, यहाँ पे डाल दूंगा जम स्पेल, और यहाँ पे फर्स्ट हील स्पेल आ जाएगा। क्या कर रहे हो पिकास, अंदर चलो। चलो भाई पिकास तो आ चुके हैं। और यहाँ पे हील स्पेल, और यहाँ पे फ्री स्पेल,
और पॉइजन देखते कहाँ यूज करें। टाउन हॉल तो मिल जाएगा इजी, और ईगल इन्फर्नो, इन्फर्नो को थोड़ा गलत हो गया फ्री स्पेल, बाकी इजी टू स्टार हो जाएगा। लूट भी मिल चुकी है अच्छी खासी, और ईगल अभी तक जिंदा है, तो वैसे यहाँ टू आर्चर छोड़ दूंगा परसेंटेज के लिए। बाकी ये आर्मी भी अभी मैं टाउन हॉल 10 से 11 पे भी यूज़ कर रहा हूँ, सही है ना, फिर भी अच्छी खासी वैल्यू मिली, 70 प्लस तो अटैक हो जाएगा ये आराम से, ऊपर भी थोड़े आर्मी गेम्स क्लियर होते हैं। और अगर ये मेरे पिक्काज और बाकी आर्मी मैक्स होती तो 3 स्टार होता। चलो 73% और एक लास्ट बैरक मिल जाएगा, और वार्डन इसको डैमेज दे रहा है। चलो एंड बैटल कर देते हैं, सही लूट मिली 4 लाख। और पीछे आर्मी, और यहाँ पे बैरिक्स में लगा सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे और कहीं था अपना बैरिक्स, ये वाला, तो एक काम करते एक बैरिक्स लगा देता हूँ अपग्रेड के लिए, और थोड़ी लूट बची है ना इसमें कुछ अपग्रेड कर लूँगा। और अभी हीरोज तो नहीं कर सकते, गोलम हो सकता है, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ हाई कॉस्ट अपग्रेड लगा देता हूँ, एक्सबो हो जाएगा 1 2 3 बूम। चलिए, और क्लैन गेम अभी थोड़ा पेंडिंग है, तो एक काम करते हैं, ओके जेम्स कलेक्ट कर लिया, और 19,000 डार्क चाहिए, तो चलिए अभी लास्ट रिवॉर्ड बचा है हमारा, तो सब कलेक्ट हो चुका है, तो अभी सीसी से नोट निकाल लेते हैं, तो 1 लाख के आसपास डार्क हो चुका है। तो यहाँ अपग्रेड करने लायक वल्केरी मिनियन, एक काम करते हैं हॉग राइडर सोच रहा हूँ साथ भी आ गई, चलो हॉग राइडर ही लगा देता हूँ, कितना लेगा। चलो इसे बुक मारते 1 2 3 बूम, और अभी रून ऑफ डार्क एलिक्सर कैश करते हैं। चलिए अभी यहाँ पे कुछ अच्छा सा अपग्रेड के लिए लगाना पड़ेगा, ये तो मैक्स आउट हो चुका है विच एंड बॉलर, तो विच को लगा देते हैं, और वैसे भी अपने पास बुक है तो ये लास्ट। तो चलिए हमारा क्लैन गेम हो चुका है कलेक्ट ऑल आईडीज पे, और यहाँ पे भी अच्छा स्कोर हुआ, विलियम टीजे नाबा फोर इलियन ठाकुर, मतलब टॉप 10 के आसपास, 5,000 के आसपास स्कोर है सभी प्लेयर्स का। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा बताना, आज की वीडियो में इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय।